हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू और शिमला मिर्च की सब्जी की रेसिपी। तो गैस पे मैंने पैन रख दिया, इसमें तेल डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच राई, और दोनों को अच्छे से चटक जाने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम हींग 1 से 2 पिंच। तो हींग भी डाल दिया है, इसे भी भून लेंगे। तो अच्छे से राई जीरा चटक गए हैं तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1, इसे भी भून लेना है गोल्डन होने तक। तो प्याज अच्छे से भून लिया है तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी भून लेना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। और 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए अच्छे से प्याज भून गए तो इसमें डाल देंगे आलू। तो मैंने बड़े बड़े पीसेस में रखे, इस तरह से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। और इससे भी हल्दी डाल दें आधी चम्मच, नमक डाल दें थोड़ी सी, और इससे अच्छे से मिक्स करके हल्दी पहले डालने से कलर सब्जी में बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे कवर करके 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए अच्छे से आलू फ्राई हो गए हैं तो इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लें। इसे भी भून लेना है, मसालों को भी। तो देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं तो इसमें डाल देंगे हम शिमला मिर्च। इस तरह से मैंने इसको शेप में काट लिया है बड़े बड़े पीसेस में, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, कवर करके इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। तो ये देखिए आलू और शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इसमें डाल देंगे टमाटर 2, इस तरह से बड़े पीसेस में कटे हुए। इस तरह से बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बड़े बड़े पीसेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कवर करके पका लेते हैं 1 से 2 मिनट। तो देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और सभी चीज़ें अच्छे से पक गए हैं तो इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। काली मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी और आधी चम्मच गरम मसाला, और इसे भी मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करके इसे बस 1 मिनट और पका लेंगे कवर करके, ताकि सारे फ्लेवर मसालों को इसमें आ जाए सब्ज़ी में। तो बहुत ही, तो देखिए सब्ज़ी हमारे अच्छे से बन गई है, आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन के तैयार है। तो चेक कर लेते हैं, आलू भी देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। धनिया की पत्ती डाल दें तो सर्व करने के लिए तैयार है ये सब्ज़ी, और बनाना भी आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो सर्व किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।